अजमेर से यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बनवीर यहाँ पर गौहर चिश्ती से जुड़ी हुई ये खबर यहाँ पर सामने आई है। खादिम गौहर चिश्ती के खिलाफ NIA ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उदयपुर हत्याकांड का पूरा जो कनेक्शन है वो यहाँ पर गौहर चिश्ती के बयानबाजी से जुड़ता नजर आ रहा था। आरोप ये भी लगे थे कि गौहर चिश्ती यहाँ पर बयानबाजी के बाद उदयपुर गया था, और अब ये नया अपडेट यहाँ पर मामले में सामने आया है कि दरगाह पुलिस थाने के कंट्रोल रूम में पहुंची है NIA की टीम यहाँ पर, और कंट्रोल रूम से दरगाह के CCTV कैमरे के फुटेज निकलवाए गए हैं। NIA ने पिछले 3 महीने के फुटेज यहाँ पर कंट्रोल रूम से लिए हैं। अब पुलिस फिलहाल NIA के मूवमेंट को गोपनीय बनाए रखे हुए है, क्योंकि जिस तरीके से NIA लगातार इस पूरे मामले में नजर बना के रखी है, कार्रवाई कर रही है, तो उसको लेकर यहाँ पर गोपनीय रखा जा रहा है ताकि जांच साफ तरीके से यहाँ पर हो सके। और ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर ब्यूरो हेड मनवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनवीर, जिस तरीके से गौहर चिश्ती के जो कनेक्शन है उदयपुर हत्याकांड से जुड़ते नजर आ रहे थे, और इस पूरे मामले पे NIA जो है लगातार एक्टिव नजर आ रही है, यहाँ पर फुटेज निकाले गए हैं CCTV के दरगाह के, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से विगत 30 जून को सबसे पहले जी मीडिया ने इस बात का खुलासा किया था कि गौहर चिश्ती की जो आपत्तिजनक बयानबाजी और नारेबाजी थी उसका सीधा संबंध उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड से था, और उसके बाद में लगातार ये अंदेशा जताया जा रहा था कि बहुत जल्द जो NIA है वो इस पूरे केस को टेक ओवर करेगी, और अब वो बात साबित होती हुई नजर आ रही है। NIA की टीम अजमेर पहुंच चुकी, जैसा हमने पूर्व में बताया था, दरगाह पुलिस थाने के अंदर, क्योंकि दरगाह के अंदर जितने भी CCTV कैमराज लगे हुए हैं उन सब का कंट्रोल रूम दरगाह पुलिस थाने में है। NIA की एक टीम सक्षम अधिकारी के साथ में दरगाह पुलिस थाने पहुंची, और पिछले 3 महीने के जो फुटेज हैं वो CCTV फुटेज NIA ने अपने कब्जे में लिए हैं। इन फुटेज के माध्यम से जो गौहर चिश्ती का मूवमेंट है उसको तलाशने की कहीं ना कहीं NIA कोशिश कर रही है। दरगाह के अंदर वो किन लोगों से मिलता था, किन लोगों से उसके संबंध थे, क्या उन फुटेज के अंदर जो उदयपुर हत्याकांड के आरोपी हैं रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद, उनके साथ भी गौहर चिश्ती नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो उस फुटेज के माध्यम से साबित हो पाएंगी। और यही वजह है कि वो पिछले 3 महीने के जो फुटेज हैं अब NIA ने अपने पास में ले लिया। उसके साथ साथ जो जानकारी मिल रही है कि इसका जब अजमेर से मूवमेंट हुआ है गौहर चिश्ती का, उसके बाद में जिन रास्तों से ये उदयपुर पहुंचा है और उसके बाद किस तरीके से ये फरार हुआ, तो तमाम जो टोल नाके हैं वहां से भी जानकारी NIA कलेक्ट कर रही है ताकि इसके मूवमेंट को ट्रेस किया जा सके और ये पता चल सके कि आखिर ये किस दिशा में भागा है। पुलिस भी, अगर अजमेर पुलिस की हम बात करते हैं, वो भी लगातार इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से गौहर चिश्ती की तलाश की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो गौहर चिश्ती अजमेर पुलिस और NIA दोनों की पहुंच से दूर बताया जा रहा है। जी ठीक ठीक है मनवीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली के जैतारण